जीवन किस तरह से जीना है वो प्रैक्टिकल गाइड आपको ये पुस्तक सिखा देगी। इतनी ताकत, यू विल बी एबल टू बेसिकली बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थॉट प्रोसेसेस एंड दस बैलेंस योर प्रैक्टिकल्स इन डे टू डे लाइफ। देखो हम लोग सब सक्सेस को चाहते हैं, सक्सेस जीवन में हर प्रकार की सिद्धि हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हा या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, चाहिए तो है, वी वॉन्ट्स बट वी डोंट हैव द राइट स्ट्रेटजी, वी डोंट हैव द राइट वेज टू रीच देयर। एटीट्यूड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज टू रीच देयर। अभिगम, इस पुस्तक में तीन विभाग हैं। जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड, इट बिगिंस विद अ थॉट प्रोसेस, सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली। इसमें भी हम यही गलती करते हैं, वी ऑलवेज थिंक रैशनली, दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स। देयर कैन बी लव एंड ट्रस्ट बिहाइंड योर थॉट्स एज वेल, सो थिंक राइट थिंक रैशनली, ये दोनों करना चाहिए। विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए, मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए। हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस। सेकेंड थिंग ही सेज that your words build up your personality. How you speak, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये पुस्तक में ये तीन बातें हैं, head thinking, mouth speaking and hands action. ये तीनों का सही combination चाहिए, ये तीनों में सही attitudes चाहिए, then you are successful. So think rationally and rightly, speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए तीन बातें चाहिए, ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए। ये जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं। 350 पेज का यह पुस्तक है, मैंने आपको जिस्ट उसका 3 मिनट में दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह पुस्तक न पढ़े, इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा। यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू, एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू in, again I repeat, thinking right and rationally, speaking thoughtfully and acting purposefully. Attitude से कितना बदलाव आ सकता है? अभी अमेरिका की एक NGO है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1,00,000 सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वॉज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली मेक अ पर्सन हैप्पी इन लाइफ। जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी
द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है. सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी. थर्ड वॉज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, टू वॉट लेवल ही हैज. फोर्थ वॉज द स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. फिफ्थ से थोड़ी पर्सनलाइजेशन और सोशलाइजेशन आता है. फिफ्थ वॉज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ही कुड स्पेंड विथ हिज फैमिली एंड नियर एंड डियर वंस. सिक्स्थ, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट ही कुड एक्चुअली स्पेंड विथ हिज ओन सेल्फ, विथ हिज ओन हॉबी एंड हिज ओन लाइकिंग्स. सेवेंथ, द रोल ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन हिज लाइफ. एंड एट्थ, द फिजिकल, मेंटल एंड द इमोशनल स्टेट ऑफ हेल्थ दैट ही एंजॉयज इन हिज लाइफ. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें द हैप्पीएस्ट पीपल अपॉन दिस अर्थ वेर इंडियंस. उसमें प्रथम चार बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था. द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन के पास ज्यादा पैसे हैं. द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट ही हैज, द स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था. लेकिन बाकी के जो तीन चार मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे. उसमें आता था द अमाउंट ऑफ टाइम ही कुड स्पेंड विथ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस. सेकेंड वॉज द रोल ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन हिज लाइफ. थर्ड वॉज द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ हेल्थ दैट ही एंजॉयड. ये तीन चार बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए. एंड दे कंक्लूडेड इन द रिपोर्ट दैट इंडियंस वर द हैप्पीएस्ट पर्सन्स अपॉन दिस अर्थ. तो अगली जो चार बातें उसमें मटेरियलिज्म स्थूल भाव है, पिछली जो चार बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है. आगे की जो चार बातें उसमें मटेरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है. पिछली जो चार बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ. कम कर दिया. इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ विच इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो ये हुई एटीट्यूड्स के बारे में उसके महिमा की बातें. नाउ हाउ कुड एटीट्यूड प्रैक्टिकली हेल्प यू इन लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छी अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं अच्छे अच्छे खाने की भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है, आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ. ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वॉज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल एटीट्यूड. व्हाट ग्रेट पीपल हैव थॉट अबाउट इट, व्हाट द सर्वे इन मोर देन 110 कंट्रीज ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल हैव कम आउट विथ. तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की. अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ. तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज. परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज.
ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का, क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई आई है वो आप नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी, साल दो साल लगते हैं, पांच साल दस साल लग जाते हैं। सिचुएशंस डोंट इमीडिएटली चेंज इन लाइफ। टू रिमेन लिस्ट अफेक्टेड बाय दैट सिचुएशन यू नीड टू क्रिएट अ डिफेंस सिस्टम इन योर हार्ट एंड योर माइंड। दैट डिफेंस सिस्टम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लुकिंग एट दैट सिचुएशन, टुवर्ड्स टेकिंग दैट सिचुएशन इन योर लाइफ। हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। इट इज बेटर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम देन टू क्रिएट अ बेटर और ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर अटैक सिस्टम व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइव्स। तो एटीट्यूड से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life, kyunki aapka attitude sahi tha, abhigam right tha। ek bar bhagwan ne teen logo ko swarg mein bulaya, ye baat hai maybe 30th december 1999 gaye teen log। us waqt ये तीन लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are three chosen by me because you three can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमिंग ऑन प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी फेसिंग द कैमरा एंड सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर अमेरिकन्स, देयर इज सम गुड न्यूज एंड देयर इज सम रियली बैड न्यूज, एंड द गुड न्यूज इज दैट आई सॉ हेवन, आई सॉ गॉड एंड ही एग्जिस्ट्स, आई सॉ इट विद माय ओन आईज एंड इट वॉज ग्रेट। And the bad news is that he is going to destroy the world tomorrow. And he went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. America ki presidential democratic system hai. Wahan Secretary of the State is the second most diplomat, important diplomat after the president. So Colin Powell came on TV, facing the camera, he said, "My dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news." Clinton kya bole the? Good news and bad news. Colin Powell goes, "There is some bad news and some good news." And the bad news is that my God, he exists, because he knew what he was doing in Iraq. Us waqt Colin Powell Iraq mein kya kar rahe the unko pata tha. Kitna galat kaam kiya, bhai Iraq ke paas weapons of mass destruction hai, WMDs hai. इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सदाम हुसैन एंड पार्टी, सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया, यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, "My God, there is some bad news for us. He exists." क्योंकि वहाँ जवाब तो देना पड़ता है ना। And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America.
Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard bhi nahi padhe. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, "Ladies and gentlemen," with a smiling face and a big loud voice, "Ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news." Attitudes kaise hain logo ke. And he says, "The good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them." See attitude. Kis liye bulaya tha, wo kehne ki zarurat nahi hai. Bulaya tha na, kisne bulaya tha. Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage, if you have the right attitude. Jo hone wala hai kal, wo to hone wala hi hai. लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तैयार किए हैं, वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. सो बिल गेट्स गोज, देयर इज सम गुड न्यूज दैट आई वाज चोजन अमंग द टॉप 3 बाय नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ. एंड द मोर गुड न्यूज इज माइक्रोसॉफ्ट इज सॉल्विंग द Y2K प्रॉब्लम टुमारो. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98-99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 1-1-2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1-1-2000. पिछले 20 लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही 0 लेता था, 8080-9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम. Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें. सिचुएशन परिस्थिति एक ही थी. 3 लोग थे उसमें. उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं. तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड. तो सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपेंस इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, हाउ कैन यू मेक दैट फॉर योर एडवांटेज, फॉर योर फैमिलीज एडवांटेज, फॉर योर कम्युनिटी, समाज के एडवांटेज एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज. हाउ कैन यू मेक इट. ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है. हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी, देखी, तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं. इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं. यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा. व्हाट एवर आई सी, व्हाट एवर आई एक्सपीरियंस, व्हाट एवर आई हियर, हाउ कैन आई मेक दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबॉडी. पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं. लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का,
मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स, ये विचार भी रखना है तो आपका एटीट्यूड सही है, वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड. द मोमेंट यू मूव फ्रॉम अ सेल्फिश एटीट्यूड टू अ सेल्फलेस एटीट्यूड, यू विल स्टार्ट गेनिंग मोर इन लाइफ, यू विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू योर सोसाइटी. थोड़ा सेल्फिश रखो, ना नहीं, मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो, वो हम रखते नहीं है. तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ. चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं. अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमोस्फियर बना है, उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने दो हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा, उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का ग्लास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की, मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया. ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? चलो वी स्टार्ट विद यतीश. What would you think if you see this at your place? बराबर है. फर्स्ट तो एस्टोनिश के ये होना नहीं चाहिए और कहां से आ गया, और ये हटाओ तो आगे सेशन अच्छा ठीक चल सकता है. अ गुड थॉट. रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है इस कनेक्ट के तो ये तो आना ही चाहिए. बराबर है. बिपिन राम जी आपको क्या लगेगा ये देखते हुए, फिर इनके बाद सतीश जी आपको कुछ कहना है. प्रोग्राम हो रहा था इसमें अब थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस हो गया, इसको एक बार तुरंत यहाँ से एक बार हटाया जाए. हाँ, यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट किया उसने. हाँ, आप सतीश जी, कंटिन्यूटी टूट रही थी उसमें, कंटिन्यूटी जरा टूट गई. आप सतीश जी, मेरे मन में तुरंत ये विचार आएगा यार, ये अपना इतना अच्छा भवन बनाया है और यहाँ से चूहा कहाँ से आ गया. क्लीनलीनेस बराबर नहीं है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई करके, इतना अच्छा भवन बनाया ये चूहा कहाँ से आ गया. बनाने वाले को बनाने की दृष्टि से चिंता थी, चलाने वाले को चलाने वाले की दृष्टि थी प्रोग्राम में. आप पीछे बैठे हैं जो प्रवक्ता थे, एमसी थे, आप बताइए. आई विल सी यू जस्ट एज अ डिस्टर्बेंस, कि एक बार हुआ है इट विल गो ऑफ, एक बार हुआ है इट विल क्लियर. मेरे अच्छे मित्र बैठे हैं दीपक जी. वेल समथिंग केम एंड समथिंग वेंट, लेट इट. सॉरी, some visitor came and some visitor went, let it go, let it come and let it go. You take it as a natural happening. बहुत अच्छी बात है. आप हाँ, ध्यान पड़ेगा लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, यही बात कह रहे थे. ध्यान पड़ेगा लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं. आप उनके बाजू में आप बैठे. डिस्टर्बेंस इज अ नेचुरल फेनोमेना. अगर कोई भी चीज की अगर डिस्टरबेंस अगर हो रही है, व्यवधान हमें आएगा, बट ओनली थिंग इज द माइंडसेट, जो हमारा जो माइंड जो डाइवर्ट होता है, दैट इटसेल्फ उसको रीट्रैक करे पड़ रहा है. यू हैव टू रीट्रैक योर डाइवर्टेड माइंड इन शॉर्ट. एब्सोल्युटली फाइन. हम सबके विचार सही थे, अच्छे थे. आपको कुछ कहना है प्लीज? जस्ट अ मिनट, जस्ट. हाँ, आप बताइए. गुरु जी, दो विचार आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि शायद चूहा है वहां पे. तो ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें व्यवधान को भी एक मनोरंजन के रूप में लेवे, कि भाई चलो कुछ हमने प्लान नहीं किया, कुछ हो गया, वो आया, अपने आप चला जाएगा. हाँ. और दूसरा विचार ये आएगा कि शायद गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें मंच पे सुशोभित किया है, माउस के रूप में हमें उसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे. धन्यवाद. बराबर. अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे. ऐसी एक परिस्थिति कहीं सालों पहले बनी थी. एक व्यक्ति थे, वे
करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे. ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन इन ग्राफिक्स. ही यूज्ड टू गेट जॉब्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, बट ही वॉज पीपल दैट इज his administrators and his bosses would not find him that creative. ho gaya tha garage mein baithe the aisi koi 30 tarikh thi 31 last tarikh thi pehli tarikh se wo ghar khali karna tha to baithe the soch rahe the ki chalo 2 din ke baad kahan jayenge kuch hai to nahi apne paas garage mein baithe the गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे. वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ाए गए ऐसे ही बैठे थे. हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे. उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया. देखा उसने सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया. मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा. फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर दो हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा, देखे के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की. देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है. फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना. फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया. मजा आया इनको, बहुत आनंद आया. थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया. तो एक मिनट पची बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया. तो उस वक्त उन्होंने यह सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया. आई वॉज एंटरटेन्ड विद दिस. Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. Main baat kar raha hu Mickey Mouse. Most famous character of motion picture Mickey Mouse. वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी. उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में. टुडे मोर देन 55,000 to 60,000 विजिटर्स पर डे. यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा. चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा. चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा. आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे. एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस. किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है. भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही. एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स. आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी. किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते हैं कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते हैं. अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया. मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया. एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं. तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए.
कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है, ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे हैं 60 बैठे हैं, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे, कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है दो घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होके कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने, दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है देन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था जब क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा खाता होगा क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो आगे चलो तो चलेगा, एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले ही हैज ओपन्ड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है, स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकलते है, बैठता है, घर आता है तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया, मुंबई की कहीं स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वॉज स्टडिंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन MNC फॉर, नाउ गिव मी द फिगर, $550 million। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया, जो MNC ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो MNC के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था, ये 150 देशों में नेटवर्क के लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड यू कैन, वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू थिंक, यू कैन ट्रांसफॉर्म एंड गिव अ बिग शेप एंड अ बिग साइज टू दैट थॉट। फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था, अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस, हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड रखे तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक, फॉरगेट रन।
एटीट्यूड्स तो यही रखने हैं, यस आई कैन, इट कैन हैपन, आई विल डू, आई कैन मेक इट हैपन. इफ इट कैन हैपन फॉर समबडी एल्स, इट कैन हैपन फॉर मी एज वेल. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है. तो द फर्स्ट एडवांटेज, मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये आप याद रखना. एनी हैपनिंग और एनी थॉट यू कैन चेंज फॉर योर एडवांटेज एंड फॉर द लार्जर एडवांटेज ऑफ द सोसाइटी. यू कैन चेंज इट बाय द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज, इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, योर लेटेंट टैलेंट्स, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है. देर आर थाउजेंड्स ऑफ एनर्जीज दैट वी हैव विच गो अनयूज्ड इन अवर लाइफ टाइम बिकॉज वी डिडंट हैव द राइट एटीट्यूड. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की energies हैं, extraordinary energies हैं. हमें लगता है कि यार ये तो hero है, ये तो super hero है, लेकिन वही energies आप में भी हैं. उसने वो energies बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो. So the second big advantage of attitude is you can bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you in your life. 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें. मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं. मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था. Just raise your hands if you saw the 1983 World Cup. Many of us. ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा. यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त. 1983 की बात कर रहा हूं. और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का. पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है. 83 कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे. फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट. बड़ी खुशी थी पूरे देश में. हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम. तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स. क्रिकेट वॉज अ फीवर इंडिया, एंड एक्चुअली इट बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गवास्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे. लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया. लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्टइंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है. वो सिंह को सोता था सिंह तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया. वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम. 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे. और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे. उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का. और वेस्ट इंडीज की यह पावरफुल टीम, उन लोग ये लोग बैलेंस करते थे. क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है. 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेटकीपर. 6 में से 1 भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से 1 बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था. स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वॉज हिज स्ट्रेटेजी, हिज थिंकिंग. बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 years. हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s. तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया. 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी. तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस.
And what a powerful team. Garden, Greenidge, Desmond Haynes opening ate the one down, Richie Richardson, two down, Viv Richards, third down, Clive Lloyd, fourth down, Gus Loggy, fifth down, Jeff Dujon, sixth down, Joel Garner, Andy Roberts, Colin Croft, Malcolm Marshall. ये उनके 11 थे. बड़ी ताकत वाली टीम थी. तो आए विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे. रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस. बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स. तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया है, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में. लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे. अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी. वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए. कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए. बॉल पीछे से आ रहा था और ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना. ऐसा गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है अब, और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा. एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, के उनके दो हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना. और आया एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस. 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए. इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम. उसके पहले तो बी टीम आती थी भारत में, कभी क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए. ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए बी टीम. क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया. कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150-150 रन से हराए. बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत. फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई, फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई, इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया. और उसमें मेलकम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मेलकम मार्शल. उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे, यूज टू बोल फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 miles per hour मेलकम मार्शल थे. और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे, रनअप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़ते, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा बॉलर. बैट में हाथ करके देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था, एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मेलकम मार्शल गेंद डालते थे. यूज टू बोथ स्लैंटिंग डिलीवरीज. और पीछे डुजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके, कॉट डुजोन बॉल मार्शल, कॉट डुजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था, एक आता था एक जाता था. किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ था. सिवियर क्रिटिसिज्म इन द इंडियन प्रेस, ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर वॉज हेविली क्रिटिसाइज कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने फ्लूक बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वो बात तैयार हो गई. इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ, एटीट्यूड्स बदलना चालू किया. उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की, उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. इफ मेलकम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन. इफ यू कैन बोल सो वेल, यू कैन बैट सो वेल. गावस्कर का एटीट्यूड चेंज किया बिकॉज यू स्टार्ट द इंडियन इनिंग्स, यू आर द ओपनिंग बैट. आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी, नतीजा पहले से चालू हो जाएगा. एंड गावस्कर सेड व्हाट,
He was counseled, change your attitude from defense to attack. Gavaskar defensive batsman थे, वे test batsman थे, one day international के नहीं थे. Sachin Tendulkar test और international दोनों के थे, 2020 के नहीं थे. Chris Gayle है वो 2020 और international के है, test के नहीं है. अलग अलग रहता है. सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस. और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक क्रिएट अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल. मार्शल इज अ मास्टर बॉलर, यू आर अ मास्टर बैट्समैन. द लिटिल मास्टर उनके लिए पहले नाम था. द मोमेंट गावस्कर चेंज इज एटीट्यूड, his batting changed, results changed, overall outcome changed. और छह में से हम लोग तीन टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन तीन टेस्ट मैच बचा सके वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ. इसलिए दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में, वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंट इंडिया इन टू बैट, और सब